हाय, वेलकम टू इंडियन फेम फिट। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी इंतज़ार आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक सैम्पल मील प्लान, व्हाट आई ईट इन अ डे। इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशंस लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और एनी अदर मेडिकल कंडीशन, प्लीज़ चेक विद योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन यू फॉलो दिस डाइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, When you wake up, you need to take warm water में lemon honey and 1 teaspoon of chia seeds. Chia seeds के benefits मैं already एक video में share कर चुकी हूँ and it's available anywhere. Big bazaar में, any superstore और online भी order कर सकते हैं. It's very easily available. Chia seeds को या तो एक रात पहले soak करके रख सकते हैं या फिर directly भी पानी के साथ swallow कर सकते हैं. They are very smooth. You'll not hurt yourself while swallowing them. It's not hard. Around 8:30 AM हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप बेसन का चीरा ले सकते हो, 3 egg whites का ऑमलेट, साथ में 1 slice ऑफ ब्राउन ब्रेड ले सकते हो और एक ब्राउन ब्रेड को टोस्ट करके उसके ऊपर 1 चम्मच पीनट बटर लगा सकते हैं। अगर आपको ओट्स पसंद हैं तो ओट्स ले सकते हैं, उसमें बहुत फाइबर होता है। अदरवाइज गोभी स्टफ्ड रोटी या पनीर स्टफ्ड रोटी भी ले सकते हो। अब मैं इन स्टफ्ड रोटीज़ को रोटी इसलिए बोल रही हूँ, पराठा इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज प्लीज़ डू नॉट फ्राई इट, जस्ट मेक इट लाइक अ सिंपल रोटी और उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा घी लगाने का मन है तो जस्ट गो अहेड। एट 12 noon अभी हम कोई भी एक फ्रूट लेंगे, कोई भी एक फ्रूट मतलब जस्ट अवॉइड द फ्रूट्स विच आर नेचुरली हाई ऑन शुगर, पल्पी लाइक बनाना, पपाया, दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स जस्ट अवॉइड। अदरवाइज जस्ट पिक अप एनी फ्रूट और यू कैन टेक 1 handful ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आमंड एंड वॉलनट इज द बेस्ट, रेजन भी आप ले सकते हो, इट्स वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट। इफ यू गाइज आर फॉन्ड ऑफ टी, कॉफी और मिल्क, प्लीज 1 कप लेने में कोई हर्ज नहीं है, प्रेफरेबली विदाउट शुगर। इफ यू कांट टेक इट विदाउट शुगर, प्लीज टेक विद लेस शुगर। नाउ लंच, लंच विल बी डूइंग अराउंड 1:30 PM 12 o'clock हमने ऑलरेडी एक स्नैक ब्रेक ले लिया था, तो अराउंड 1:30 हम लोग लंच स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद अ फुल प्लेट सैलेड। सैलेड में इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस प्लीज अवॉइड कैरेट और बीटरूट, जो भी जमीन से नीचे वाली चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है अगर हम लोग वेट लॉस पे हैं। अदरवाइज यू कैन गो अहेड एंड एन्जॉय द कैरेट, दैट्स फाइन। You can add cucumbers, bell peppers, spinach, whatever you like in the salad. Broccoli is also very good, but I think thyroid ke liye you need to take your doctor's permission because thyroid mein doctors mana kar dete hain broccoli ke liye. So that's all you can add in your salad. Aur saath mein hum log ek ball curd lenge as a starter. Curd ke benefits एक अलग वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, आई एम गोइंग टू पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन आल्सो, तो आप वो भी लिंक देख सकते हो। वी आर गोइंग टू टेक कर्ड एज अ स्टार्टर अलॉन्ग विद अ फुल प्लेट ऑफ सैलेड। नाउ वी कम ऑन द मेन मील, एक चपाती ले लेंगे हम लोग नॉर्मल साइज की, इफ यू वॉन्ट घी यू कैन पुट लिटिल घी, दैट्स फाइन। एक कटोरी दाल और कोई भी थोड़ी सी सब्जी, दैट विल बी आर मेन मील। अराउंड 5:30 PM हम लोग एक और स्नैक ब्रेक लेंगे, उसमें आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हो या 1 कप दूध ले सकते हो या फिर 1 handful ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अगेन आमंड वॉलनट इज द बेस्ट, विच आई एम सेइंग कैश्यू नट मतलब काजू, काजू थोड़ा सा अवॉइड करें, इट्स फुल ऑफ फैट, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस प्लीज अवॉइड काजू। नाउ आर डिनर विल बी अराउंड 7:30, सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बिग प्लेट ऑफ सैलेड फुल ऑफ क्यूकम्बर्स, स्पिनच, टमेटोज, बेल पेपर एंड वट एवर यू लाइक एक्सेप्ट फॉर कैरेट एंड बीट रूट। एंड इन स्टार्टर अगेन वी आर गोइंग टू टेक 1 full bowl ऑफ कर्ड। अगर आप पूरी कटोरी दही नहीं खा सकते हो तो 1/2 कटोरी दही ले लो और 1 glass बटर मिल्क ले लो, इट्स वन एज द सेम थिंग, इट विल चेंज योर टेस्ट ऑल्सो और आप लोगों को एक वेरिएशन भी मिल जाएगा। फॉर मेन मील यू कैन टेक 1 chapati, उसके ऊपर घी मत लगाएं और साथ में 1 ball दाल। 1 important tip, हम लोग लंच और डिनर के बाद 1 tablespoon रोस्टेड फ्लैक्स सीड लेंगे। रोस्टेड फ्लैक्स सीड,
अगर फ्लैक्सीड आप नॉर्मल वाले ले रहे हो तो घर पे आके भी रोस्ट कर सकते हो, या फिर मार्केट में ऑलरेडी रोस्टेड वाले भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी जाके फ्लैक्स सीड ले आइए। लंच के और डिनर के बाद हमें एक बड़ा चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड लेना है। फ्लैक्स सीड के वो सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ऑल दैट इज़ देयर, प्रोटीन, साथ में हमारे हंगर पैंग्स को कंट्रोल में रखता है, वो जो अनटाइमली क्रेविंग्स होती हैं बॉडी में खाना खाने के लिए, उसको कंट्रोल में रखता है। फ्लैक्स सीड इज़ वेरी गुड फॉर दैट। अराउंड 11 PM और जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, वी आर गोइंग टू टेक जैस्मिन ग्रीन टी। जैस्मिन के लीव्स ढूंढने की ट्राई करिए, ऑनलाइन बहुत जगह पे अवेलेबल है। अगर नहीं मिले तो जैस्मिन ग्रीन टी ढूंढिए, जैस्मिन ग्रीन टी इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल। जैस्मिन ग्रीन टी जो है इट इंड्यूसेस वेट लॉस, और रात को जस्ट सोने से पहले इफ़ यू हैव इट, इट्स गोइंग टू गिव यू मल्टीपल बेनिफिट। Try this diet right now. एक दो हफ्ते के अंदर ही आई कैन इंश्योर यू आपका 2 से 5 किलो वजन कम होने के मुझे तो लगता है कि चांसेस हैं। या फिर अगर आपका वेट एक जगह पे आके अटक गया है और आगे नहीं लॉस हो रहा है, आगे वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो भी इट विल बेनिफिट यू। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये डाइट ट्राई किया है, तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल सकते हो हाउ इट हैज़ बेनिफिट यू। एंड इसके साथ साथ गाइस, दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना शुरू कीजिए, या फिर मेरे वेट लॉस में से यू कैन सी द वीडियोस एंड यू कैन फॉलो दोज वीडियोस एट होम। आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो द राइट डाइट एंड द एक्सरसाइज तो आपका वेट लॉस फटाफट 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 हो ही जाएगा, देयर विल बी नो वेट इश्यूज। सो दैट्स इट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग। And do subscribe to Indian FemFit. I'm sure aapko mere videos pasand aa rahe honge. And that's it for today. I'll come back later with another interesting topic. Tab tak ke liye, bye bye.